तो हेलो गाइस, एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोशिरो कोतेसु को डीमन से बचाते हुए कानामोरी के पास लेके आता है। कानामोरी कोतेसु को देख के बहुत ही खुश हो जाता है एंड कानामोरी मोशिरो के स्वॉर्ड देख के कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड तो बहुत खराब हो चुकी है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक दूसरे स्वॉर्ड देता हूँ। कानामोरी उन दोनों को एक घर के पास लाता है, लेकिन तभी मिचुरी को कुछ महसूस होता है और वहीं पे उसे एक गमला दिखाई देता है जिसके अंदर से कोई आवाज आ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे अपर रैंक 5 गियोको की एंट्री होती है। फिर वो उन्हें अपना नाम बताता है और उन्हें कहता है, मैं तुम्हें मारने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो मिचुरी को देख के कहता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम एक हसीरा हो, तो मैं तुम्हें अपना आर्ट क्रिएशन दिखाना चाहता हूँ। तभी गियो को एक वास में से कुछ स्वॉर्डस्मिथ को बाहर निकालता है जिन्हें उन्हें अभी तक मारा था। गियो को उन्हें देख के कहता है, तुम्हें मेरा कलेक्शन कैसा लगा, आई होप तुम्हें ये अच्छा लगा होगा। फिर गियो को उन्हीं की तलवार उनके बॉडी में डालने लगता है जिसे तोकितो और मिचुरी देख के बहुत ही रोने लगते हैं। उसके बाद मिचुरी गियोको को कहता है, तुमने ये बहुत गलत किया बस्टर्ड, अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन गियोको अपने बास के अंदर जाके एक दूसरे बास से बाहर निकलता है। मिचुरी ये देख के कहता है, तो ये अपने पॉट्स के द्वारा अपने पोजीशन को बदल सकता है, और वो उस घर पे जाके उस पॉट को भी तोड़ देता है। फिर गियोको उसे कहता है, लगता है तुम्हें लड़ने की बहुत जल्दी है, तो तुम मेरा ये वाला अटैक देखो। और वो उन पॉट में से कुछ मछलियों को बाहर निकालता है और वो मछलियाँ टोकितो और मिचुरी पे कुछ कांटों से अटैक कर देती है। लेकिन मिचुरी उनके सामने आके उन्हें बचा लेता है, लेकिन वो सारे कांटे मिचुरी के शरीर के आर पार हो जाते हैं। मोशिरो उन दोनों को वहां से भागने को कह देता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। वहीं पे कियो को मोशिरो से कहता है, तुम्हें जो कांटे लगे हैं उनके अंदर जहर है और कुछ ही समय में ये तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर देंगे जिससे कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बट मोशिरो उसे इग्नोर मार के उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, पर उसके पास्ट में हमें कुछ क्लियरली बताया नहीं जाता है। उसके बाद मोशिरो नॉर्मल हो जाता है। फिर मोशिरो जैसे ही गियोको पे अटैक करने वाला होता है तो गियोको अपने ब्लड डिमन आर्ट से मोशिरो को एक वाटर पॉट में फंसा देता है एंड तभी सीन शिफ्ट होता है। गियोको ने अपने जितने भी डिमन्स स्वॉर्डस्मिथ विलेज पे भेजे होते हैं वो सारे डिमन्स लोगों को मार रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पे लव हासिरा मित्सुरी की एंट्री होती है। वो एक एक करके हर डिमन को मारने लगती है। लोग उसे देख के कहते हैं, देखो इतनी ब्यूटीफुल हासिरा हमें बचाने आई है। दूसरी तरफ जो विलेजर चीफ होता है उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है एंड जो डीमन स्लेयर उसे वहां पे बचाने आया होता है वो मारा जा चुका होता है। वो चीफ सोचता है, ये डीमन बहुत ही बड़ा है, मैं इसे मार नहीं सकता, तो अभी मेरी मौत निश्चित है। लेकिन तभी वहां पे मिसुरी आ जाती है और वो अपने एक ही वार से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। लेकिन वो एक चीज नोटिस करती है, उसे जिसने बचाया है वो चीफ नहीं है, बल्कि चीफ तो उस मॉन्स्टर के हाथ में है और वो जाके उन्हें बचा लेती है। लेकिन उनकी ये हालत देख के वो रोने लगती है और कहती है, क्या आप ठीक हो, क्या आप मुझे सुन सकते हो टैचिन। एंड वो विलेजर चीफ ये देख के कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, इतनी सुंदर लड़की ने मुझे हक किया है, तो मैं कैसे मर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नेजुको तांजिरो को उठा के वहां से भाग रही होती है। वहीं पे तांजिरो सोचने लगता है, अरे हाँ, उस डीमन ने हम पे अपने फैन से अटैक किया था जिससे कि हम दोनों बेहोश हो गए थे, लेकिन नेजुको मेरे से पहले जाग गई। लेकिन तभी इनोगी उन दोनों पे अटैक कर देता है और उन्हें एक रूम के अंदर फेंक देता है। फिर सकिदो काराको को कहता है, तुम जल्दी से उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दो। काराको भी अपने एक अटैक से उस पूरी बिल्डिंग को चकनाचूर कर देता है और वो कहता है, अभी तो और आसान हो गया, वो दोनों कहीं पे भी छुप नहीं सकते, तो हम उन्हें जल्दी से मार देंगे। उसी वक्त तांजिरो और नेजुको वहां से भागने लगते हैं, लेकिन नेजुको तांजिरो की तलवार पकड़ लेती है। तांजिरो कहता है, तुम छोड़ो नेजुको, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। लेकिन नेजुको उस तलवार पे अपने ब्लड डिमन आर्ट का इस्तेमाल कर लेती है। तांजिरो ये देख के कहता है, इसके ब्लड डिमन आर्ट से मेरी तलवार तो जल रही है और इसका टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि ये लाल हो चुकी है, जिस वजह से ये एक ब्लीडिंग ब्लड घटाना बन चुकी है।
लेकिन तभी उसे एक मेमोरी याद आती है कि एक बंदा कहता है ये स्वॉर्ड जर रही है, लेकिन तभी दूसरा बंदा कहता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी स्वॉर्ड एक ब्लेजिंग ब्लड कटाना बन रही है। तांजिरो ये देख के सोचता है ये तो उसी बंदे की मेमोरी है जिसने मेरी तरह इयररिंग्स पहन के रखे है और हम दोनों की तलवार एक दूसरे के जैसी ब्लैक है। एंड तभी तांजिरो सोचता है कि नेजुको के वजह से मेरी तलवार एक बर्निंग ब्लेड बन चुकी है और मैं उस पर्सन के जैसे फील कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं बहुत ताकतवर बन चुका हूँ, लेकिन इन डिमन्स के अटैक से मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी कभी भी टूट सकती है। लेकिन जब भी ऐसा हुआ है तो किसी ने आके मेरी मदद की है, तो उन लोगों का साथ हमेशा मेरे साथ है और मैं उसी की वजह से इन पूरे डिमन्स को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हमें दिखता है कि सकीडो को एक मेमोरी याद आती है जिसमें यूरिची होता है एंड यूरिची ने मुजान को ऑलमोस्ट मार ही चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं तांजिरो यूरिची के स्टाइल में अपना हिनोकामी कागरा अटैक यूज करके उन तीनों डिमंस की गर्दन एक ही बार में काट देता है। फिर वो कहने लगता है ये वही फीलिंग है जिस वक्त मैंने अपर रैंक सिस को अपने फुल पावर यूज करके मारा था। हाँ, मुझे खुद पे विश्वास है मैं इन पूरे डिमंस को मार सकता हूँ, लेकिन वो चौथा डिमन किधर है? वो जब अपने बाजू में देखता है तो गेनिया ने उस चौथे डिमन को मार दिया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गेनिया जो होता है वो डिमन में कन्वर्ट हो चुका होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।